अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन परीक्षा और उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरु मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर ये निर्णय कर लेते थे कि शिष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। उस शिष्यों को जो है विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर सफल घोषित। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होता। लेकिन आधुनिक समय में छात्र को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता, उसको उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो है वो जहां पर भी जाता है वो प्रमाण पत्र दिखाता है कि मैंने ये डिग्री प्राप्त की है, मैं इतना मेरी ये योग्यता है। और उसके आधार पर जो है उसको जो है साक्षात्कार उसका लेते हैं और उसका चयन किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। और आज प्रमाण पत्र भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इतनी योग्यता अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और योग्यता प्रमाण पत्र के साथ छात्र को जो है योग्यता को भी प्रदर्शित करना पड़ता है। तो उस समय जो है छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम होता था और वो छात्र जो है किसी एक वेद का अध्ययन करता था जिसको हम स्नातक कहते थे। यदि हम वो आगे की पढ़ाई करना चाहता था तो उसको फिर पुनः जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम था, 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेने पर उसे हम वशु कहते थे। उसी प्रकार आगे क्रमबद्ध करते हुए जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम था, किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन करते थे उसको हम पूरा कर लेने पर उसको रुद्र कहते थे। और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम, 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेने पर उन्हें आदित्य कहा जाता था। वेद, चारों वेद जो है जो अध्ययन करता था वो बड़ा शिक्षक जो है, बड़ा विद्वान माना जाता था। लेकिन आज हमारे जो है आधुनिक समय में हम लोग जो है डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, मास्टर डिग्रियां ले रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। और आज उसी प्रकार से बड़े बड़े पद हमारे जो है बन गए हैं। आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टर्स, बड़े अनेक पदों पर जो है विद्वान लोग जो हैं उसको उपस्थित हैं। तो मेरा यह कहने पर तात्पर्य है कि उस समय जो है परीक्षा प्रणाली सिर्फ योग्यता के आधार पर जो है आंका जाता था, आज उपाधियां प्रदान करते हैं ताकि जो है छात्र वो परीक्षा में सफल माना जाता था। अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक और व्यवस्था की, ऐसे छात्र जो जिनने शिक्षा प्राप्त नहीं की है वो हमारे यहाँ 6 महीने का जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसको करने के बाद आगे की जो है स्नातक शिक्षा जो है वो आरंभ कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड ने इसके लिए बहुत अच्छा जो है व्यवस्था की है, जो आगे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कहीं पर जो है जॉब कर रहे हैं, किसी व्यवसाय कर रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं मन के अंदर है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूँ। तो ये एक रास्ता जो है उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने सुलभ उनको कराया है, जिसका फायदा जो है हमारे सारे उत्तराखंड वासी और भारत आस पास के जो है राज्यों के व्यक्ति जो है कर सकते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में MEd पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है भारत के अनेक राज्यों से छात्र जो है यहाँ करके हैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो और उन प्रशिक्षण के आधार पर जो है छात्र को उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी, उनको डिग्रियाँ प्रदान की जाएंगी और वो कल समाज में जो है अच्छे नागरिक के रूप में जो है देखने को हमको मिलेंगे। अब वैदिक काल में जो है शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में जो है बड़े बड़े गुरु के आश्रम रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं और वहाँ पर छात्र जो है उस शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था परिवारों में होती थी, उच्च शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में होती थी और ये जो आश्रम होते थे कोलाहल से दूर प्रकृति के स्वर में गोद में स्थापित होते थे। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर उपस्थित होते हैं, तीर्थ स्थान पर धर्म प्रचार के केंद्र के साथ साथ उच्च शिक्षा केंद्र में विकसित हुए। बड़े बड़े नगरों में अगर हम उदाहरण लें तो जैसे तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक आदि जो है शिक्षा के मुख्य केंद्र उस समय पर रहे हैं।
इनका हम थोड़ा संक्षिप्त में जो है वर्णन करेंगे, वार्ता करेंगे आप लोगों से। तो जैसे तक्षशिला है, तक्षशिला उस काल में उत्तर भारत के तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी था। इस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से यहाँ पर बसाया था। आगे चलकर उसने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। ये देश के विभिन्न भागों में विद्वानों को बुलाकर बसाया गया था। गांव के गांव दान में दे दिए गए थे और उन पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया था। यहाँ पर संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। किसी वेद की शिक्षा के लिए, कोई धर्म दर्शन के लिए यहाँ पर जो है विद्वान प्रसिद्ध थे, और विद्वान आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञ भी थे। उस समय में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म और दर्शन और आयुर्विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। साथ ही कर्म की उत्तम शिक्षा जो है उनको प्रदान की जाती थी, तो बहुत ही उत्तम स्तर की जो है शिक्षा थी। गांधार उस समय का बड़ा ही गौरवशाली, वैभवशाली राज्य रहा है, और यहाँ पर वैदिक और ब्राह्मण शिक्षा का ये मुख्य केंद्र रहा है। उसी में एक राज्य और आता है, केकई। केकई भी मध्य भारत के तत्कालीन केकई राज्य के राज्य की राजधानी था। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है, और यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म, दर्शन की शिक्षा का मुख्य प्रबंध किया। केकई नरेश अस्पति बहुत बड़े विद्वान थे, और वे विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अपने राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, उनको वहाँ पर भूमि दी और उनको बड़े बड़े उनके रहने की व्यवस्था किया, ताकि जो है उस क्षेत्र के राज्य के व्यक्ति छात्र जो है शिक्षा प्राप्त कर करके विद्वान बन सके। वे समय समय पर जो है राजधानी में विद्वत सम्मेलन भी करते थे। उनमें उस कहा जाता है कि उस समय जो है उनके नगर में एक भी व्यक्ति जो है शिक्षित नहीं था। तो ये उस समय ने की बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास जो है बहुत बड़े साधन हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है हम शिक्षा जो है सबको प्रदान नहीं कर रहे हैं। उस समय कला कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती थी, सैनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, व्यवसाय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो शिक्षा का जो है ये केकई एक बहुत बड़ा जो है केंद्र रहा है। दूसरा राज्य रहा है एक मिथिला। मिथिला मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला के राज्य की राजधानी था। यूँ तो वैदिक काल से पहले ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के जो है अनेक सम्मेलन होते थे। उपनिषद काल में जो है वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र रूप में ये विकसित रहा है, और नगर में धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान निवास करते थे। दूर दूर से धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। प्रतिद्वंदी राज्यों से भी धर्म और दर्शन शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बिना किसी भेदभाव के जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। और वैदिक काल में कला कौशल और सैन्य शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये सारी शिक्षा की व्यवस्था जो उस समय बड़ी अति उत्तम थी। लोग जबरदस्ती जो है शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे, जबरदस्ती उनको शिक्षा के लिए लालच नहीं था, बल्कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना लोग अपना धर्म मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे, और उस समय शिक्षा का बहुत तेजी से जो है विकास हुआ। दूसरा एक और राज्य रहा प्रयाग, जिसे आधुनिक समय में हम जो है अलाहाबाद कहते हैं, अलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भी ऋषियों की तपोभूमि के रूप में हमको देखने को मिलता है। वैदिक काल में इस क्षेत्र के गंगा तटवर्ती क्षेत्र में एक ऋषि आश्रम रहते थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। बड़े बड़े विद्वान अपनी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। एक तीर्थ स्थान था, धार्मिक स्थल था, और ऋषियों की तपोभूमि था। यहाँ पर धर्म और दर्शन की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी। और ये यदि आज की बात करें तो अलाहाबाद भी आज शिक्षा का भी जो है उस शिक्षा का एक केंद्र है। अलाहाबाद विश्वविद्यालय अलाहाबाद आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में छात्रों को उस शिक्षा प्रदान करना कर रहा है, जो भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो है अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में उसका नाम जो है देखा जा रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है कार्य कर रहे हैं, जहाँ से छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके, कोचिंग लेकर के बड़े से बड़े जो है
परीक्षा को में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो आज भी इलाहाबाद जो है उस शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार काशी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। काशी जो है बनारस, बनारस को जो है आधुनिक समय में कहा जाता है। ये भी जो है प्रारंभ में ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों की शास्त्र का मुख्य केंद्र रहा है। यह गंगा तट वर्ती क्षेत्र में अनेक ऋषि, यहाँ अनेक आश्रम थे। काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषद ज्ञान के विद्वान थे, पंडित थे। उन्होंने अपने शासन काल में अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्हें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रूप में उनसे शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ कराया और वहाँ के व्यक्ति को जो है उससे लाभान्वित करवाया। आत्मा परमात्मा के स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में उनसे शास्त्रार्थ किया। बस यहीं से जो है शिक्षा शास्त्रार्थ के रूप में केंद्र जो है पूरे भारत में विख्यात हुआ, पूरे अन्य देशों में भी जो है विख्यात हुआ। और यहाँ से देश में ही नहीं बल्कि विदेश के छात्र भी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आने लगे। और मध्यकाल में भी जो है ये शिक्षा का उत्तम जो है केंद्र है। आज के समय में काशी में जो है या बनारस में 4 विश्वविद्यालय जो है कार्य कर रहे हैं, जो उस शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो भारत हमेशा से जो है शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए केंद्र रहा है। यहाँ पर यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अनेक देशों में जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और संसार को जो है मार्ग प्रदान कर रहे हैं। दूसरा एक राज्य और रहा समय कांची। कांची दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान है। धार्मिक लोग दक्षिण काशी कहते हैं इसको। भारत के नक्शे में यदि आज देखा जाए तो आज इसको काजीवरम कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में यह वेदों के विद्वान पहुंच गए थे और उन्हें वैदिक धर्म और दर्शन की शिक्षा देना शुरू किया था। ये ब्राह्मण होते थे, पुरोहित थे, कर्मकांडी थे, इसलिए इन्हें यहाँ पर जो है कर्मकांड शिक्षा का जो है बहुत अधिक विकास किया है। तब से लेकर आज तक यहाँ पर ब्राह्मण शिक्षा का मुख्य केंद्र चला रहा है। मध्यकाल में जो है ब्राह्मण शिक्षा का भी केंद्र रहा है और शिक्षा जो है काफी तेजी से जो है विकास हुआ है, उन्नति हुई है। ये दूसरा एक हम बात करना है, जैसे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की क्या शिक्षा की क्या दशा रही है, क्या स्थिति रही है, क्या उनको शिक्षा प्राप्त की जाती थी या उसमें कुछ कमी आई है। तो वैदिक काल में स्त्रियों को किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनको वर्ण के आधार पर जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने धूर्तता से उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। धीरे धीरे वैदिक काल के अंतिम चरण में ब्राह्मण काल में बालिकाओं की विवाह की आयु जो है उन्होंने 12 वर्ष कर दी थी, जिससे कि बालिका जो है कि शादी जल्दी हो जाती थी। उनका घर पर घर से बाहर निकलना प्रतिबंध लग जाता था, जिससे धीरे धीरे उनकी स्त्रियों की शिक्षा जो है कम कर दी गई या समाप्त कर दी गई। और साथ में जो है शूद्र वर्ण की शिक्षा भी जो है या शूद्र वर्ण की स्त्री की शिक्षा से उनको पूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया, अर्थात उनसे छीन लिया गया। वेदों का अध्ययन करना निषेध कर दिया गया। महिलाएं ना तो वेदों का अध्ययन कर सकती थी, ना ही वेदों को छू सकती थी। और उस काल में स्त्रियों के लिए ना ही कोई अलग से गुरुकुल आश्रम खोले गए थे। परिणाम स्वरूप जो देखा गया है कि सामान्यतः कुछ बड़े परिवार की बालिकाएं जो है उस शिक्षा प्राप्त करती थी, उसके बाद वो उस शिक्षा प्राप्त करती थी। तो ये बहुत ही कम उदाहरण जो है इतिहास में अगर हम देखें तो कम ही हमको देखने को मिलता है। गुरुओं, केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों की पुत्रियां, राजाओं की पुत्रियां, वे ही जो है उच्च पदों पर आसीन होती थी, वे ही शिक्षा प्राप्त करती, और उसके बाद उनके ही पुत्र पुत्रियां जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। और धनी और शिष्ट व्यक्ति की पुत्रियां जो है गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करती, लेकिन आम सामान्य जो है वर्ग की जो है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्र की है, चाहे शूद्र की है, उनको शिक्षा से पूर्ण रूप से जो है वंचित कर दिया गया था। तो शिक्षा व्यवस्था जो है वैदिक काल में रही है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जब जो है ये बौद्ध धर्म आरम्भ हुआ, उसमें स्त्रियों के लिए जो है बहुत समय के बाद जो है शिक्षा के द्वार जो है खोले गए थे।